गोरखपुर के संझाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरवासियों को 6.47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगातें दी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमा सुरक्षित हुई है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप बिना भेदभाव सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप देश की जनता उनके आह्वान पर लगातार बीजेपी को आशीर्वाद प्रदान कर रही है। बाईस करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं इन सभी योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आगामी खिचड़ी मकर संक्रांति मेला और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, शौचालय के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया, 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबको मैं इन सभी योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। आगामी खिचड़ी मकर संक्रांति मेला और अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार नहीं थी, तब एक गरीब को आवास के लिए, शौचालय के लिए, राशन कार्ड के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी कार्यों के लिए भटकना पड़ता था। 2014 में मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझ करके उनके विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ कार्य किया,